आज हम लोग आसनसोल बाजार कार्यालय की ओर से कुछ ओके रोड झिल्ली मोहल्ला का जो कार्यकर्ता हमारे मोहम्मद अमीन है, मोहम्मद अमीन के नेतृत्व में कुछ स्कूली बच्चे को लाए थे। रमनिया स्कूल के बच्चे थे, क्लास 9-10 के। हाजी कदम रसूल के बच्चे थे, सबको लाया गया था। ला करके यहाँ पर हम लोगों ने उनको एक फुटबॉल दिया ताकि वो आसनसोल 7 नंबर ग्राउंड में वो लोग फुटबॉल ले आकर फुटबॉल खेले। इस उद्देश्य से हम लोग उनको दिए और साथ साथ प्रेस को मैं ये बताना चाहता हूं कि 70 वर्षों में कांग्रेस ने जो काम नहीं किया विगत 7 वर्षों में मोदी जी ने वो काम कर दिया। ओबीसी में जो लोग आते हैं संपूर्ण भारतवर्ष में उन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ओबीसी वालों को, पिछड़े वर्ग वालों को प्राथमिकता दी गई, क्योंकि संपूर्ण भारतवर्ष में 52% लोग ओबीसी में आते हैं। बहुत बड़ी जनसंख्या है ओबीसी, किंतु उसको पिछड़ा बना के रखा गया था। आज मेडिकल में, मेडिकल स्टूडेंट की भर्ती में 27% ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन दिया गया, आरक्षण दिया गया। ये बहुत बड़ी हम लोगों की भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। साथ साथ जो लोग कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं, आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, उनको भी जाति भाषा प्रांत बात से ऊपर उठकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से ऊपर उठकर जो व्यक्ति भारतवासी हैं, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, उनको भी